हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सेमी मेकर सेल्फ यूनिक। आज का जो वीडियो है वो चार्टर्ड इंजीनियर्स के ऊपर। अब ये चार्टर्ड इंजीनियर की होता क्या है, पहली बात तो मैक्सिमम जो फ्रेशर होंगे, दो चार साल वाले बच्चे जो होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि चार्टर्ड इंजीनियर होता क्या है। जो 5 या 10 ईयर के एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे उनको पता होगा इस प्रोफाइल के बारे में। ये प्रोफाइल बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफाइल होती है और इस प्रोफाइल में जो इनकम होती है वो कह सकते हो लाजवाब होती है। मतलब जो इनकी सैलरी पे होती है बहुत अच्छी होती है। तो अब जब सैलरी पे बहुत अच्छी होती है तो पहले ये जान ले करना क्या होता है इसमें। तो मैं एक आसान भाषा में एक लैंग्वेज यूज करता हूँ, जुगाड़। ठीक है, कुल मिला के एक चार्टर्ड इंजीनियर का काम होता है कि कंपनी किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में है तो कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के थ्रू उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी चाहिए क्या, उसको भी ऐड करके कैसे उसका सलूशन निकाला जाए, वो प्रोफाइल का नाम होता है चार्टर्ड इंजीनियर प्रोफाइल। ये हर एक बड़ी जो कंपनीज होती हैं जो हायर पे देती हैं वो हर एक कंपनी के पास चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं। और चार्टर्ड इंजीनियर कोई और नहीं, हम और आप में से ही कोई एक बंदा होता है। अब आप बोलोगे सर हम और आप में से, तो फिर कैसे बनेगा वो चार्टर्ड इंजीनियर? के लिए पहले इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और वहां पर रजिस्टर्ड कौन कर सकता है, क्या आप या क्या मैं या फिर कोई भी नहीं? पहले आपको बी या बी टेक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप क्लियर होना चाहिए आपका बी और बी टेक। इसके साथ ही साथ 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए चार्टर्ड इंजीनियर के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसमें आपको जाना है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से करते, उसमें आपको सीधे रजिस्टर्ड कर देना है। एक नॉमिनल फी है 10,000 होगी आई थिंक, इसमें अप्रॉक्स मुझे क्लियर नहीं पता है, बट 10 to 20 के बीच में। तो चार्टर्ड इंजीनियर की प्रोफाइल रहेगी, उस पर आपको रजिस्टर्ड कर देना है। उसका हेड ऑफिस पुणे में ही है, तो यहाँ पर भी आप आके ऑनलाइन भी कर सकते हो इसका रजिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ ये इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है जैसे कि अकबर होता है ना, अकबर को आपने सबने अकबर की कहानी सुनी होगी। अकबर के जो टीम मेंबर थे, मतलब जो नवरत्न थे, उसमें से एक बीरबल था ना, तो बीरबल था चार्टर्ड इंजीनियर। बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया मैंने, बीरबल था क्या, चार्टर्ड इंजीनियर। हर एक काम का सही सोल्यूशन कौन दे पाता था, बीरबल दे पाता था। यही चार्टर्ड इंजीनियर की प्रोफाइल होती है आज के आसान भाषा में। वो बच्चे जिन्होंने अपने मिडिल क्लास फैमिली में दूध अगर किसी बोतल में रख दिया और गिर रहा है बोतल, तो बोतल के ऊपर पॉलीथीन लगा के ढक्कन कसा हुआ है, मतलब उनके अंदर वो गुण जरूर है कि वो चार्टर्ड इंजीनियर बन सकते हैं। ये कंपनी जो हाई प्रोफाइल्स की कंपनीज होती हैं वो लोग इनको रखती हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए। कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब उसका जो ऑनर है वो तो जाके सॉल्व करने से रहा, तो चार्टर्ड इंजीनियर जाएंगे, वो बात करेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, अब इससे हम कर क्या सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में सॉल्यूशन दे देना। ठीक है, जैसे आपको और आसान भाषा बताता हूँ, आपका सीए होता है, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो मेरा भी सीए है। तो अभी जैसे कि सीए से मैं सोल्यूशन लेता रहता हूँ, तो भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है, आरटीआर कैसे फाइल करना है, भाई जीएसटी कैसे पे करना है, तरह तरह के सोल्यूशंस के लिए मैं सीए से डिस्कस करता हूँ। तो सीए क्या करते हैं, सीए हमारे जो काम है हमारा, उस काम में आसानी से हमको एक राइट वे बता देते हैं, भाई सर आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। वैसे ही चार्टर्ड इंजीनियर्स होता है कंपनी के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट सोल्यूशन, प्रोजेक्ट पे कुछ भी सोल्यूशन पाना है तो वो काम चार्टर्ड इंजीनियर प्रोफाइल में आता है। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर नीचे कमेंट करोगे, ठीक है, अगर कमेंट करते हो तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बस आज मैंने कमेंट पढ़ा, उस कमेंट में लिखा था सर व्हाट इज चार्टर्ड इंजीनियर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डीप में बता देते हैं चार्टर्ड इंजीनियर की प्रोफाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।